नेक्स्ट कंसेप्ट पे आते हैं स्टूडेंट्स। जो हम लोगों ने भी पढ़ा वो पढ़ा हमने एलिमेंट्री के लिए, तो एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन यूज करते हुए इनवर्स निकालना सीख रहे हैं। फाइंड द इनवर्स ऑफ, ये एक मैट्रिक्स है 2x2 की, बाय एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन, मैं रो ट्रांसफॉर्मेशन सीख रहा हूं, और ऑपरेशंस, ऑपरेशंस कह दीजिए या ट्रांसफॉर्मेशन कह दीजिए कोई फर्क नहीं पड़ता इस बार। ठीक है स्टूडेंट्स, इसमें क्या होता है कि जो नोट करने वाली चीज है वो ये है कि i इक्वल टू डी ए की फॉर्म हमें लानी होती है और अप्लाई करते हैं a इक्वल टू i a। हमने अभी पढ़ा कि एलिमेंट्री ऑपरेशंस कैसे यूज होते हैं, कि जब रो ऑपरेशन होता है तो जब ये ऐसी फॉर्म होगी तो इधर तो एप्लीकेशन जाएगा ही जाएगा, लेकिन पहले वाले टर्म पे आपका यहाँ पर ऑपरेशन यूज होगा रो वाला, अगर कॉलम करूंगा तो इस पे अप्लाई होगा। ठीक है स्टूडेंट, तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं a इक्वल टू i का कंसेप्ट यूज करूंगा और इस फॉर्म को एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन यूज करके ऐसी फॉर्म में कन्वर्ट करूंगा, और अगर i इक्वल टू बी ए बन जाता है तो b जो होगा वो a का इनवर्स होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो शुरू करते हैं, हमें a मालूम है, हमने लिखा a इक्वल टू i, ये वाला कंसेप्ट यूज किया, a की वैल्यू इधर हमने रख दी और इधर i रख दिया, हम लोगों ने क्या कर दिया, i रख दिया, i कितना यूज करना है 2x2 का आइडेंटिटी मैट्रिक्स, सेम ऑर्डर की लेनी होती है। अब हमने अप्लाई किया, देखो अब ये क्या करना होता है कि जो ये कंडीशन है, ये जो आपका ए है, इसे मैं आइडेंटिटी फॉर्म में कन्वर्ट करूंगा, मतलब कहने का यहाँ वन है तो यहाँ तो वन है ही, यहाँ मुझे जीरो इसको बनाना है, तो मैं कैसे अप्लाई करूंगा कि आर टू वाला जो है उसमें से ट्वाइस ऑफ इसका जो आर वन पार्ट है उसका मैं सब्ट्रैक्शन लगाऊंगा। तो मैंने यहाँ लिखा अप्लाई कर रहा हूँ मैं आर टू इम्प्लाइज दैट आर टू माइनस टू आर वन, जैसे ही आर टू में यहाँ पे अप्लाई करूंगा वही मैं यहाँ पे भी अप्लाई करूंगा, तो इसमें से इसका ट्वाइस माइनस कर रहे हैं, देखो ये रहा, ये ट्वाइस माइनस करेंगे इसका तो यहाँ पे जीरो बचेगा और इसका ट्वाइस होगा फोर, और माइनस वन से माइनस फोर जब जाएगा तो माइनस के फाइव आएंगे। ओके स्टूडेंट्स, अब इधर भी अप्लाई करना है, तो जीरो माइनस टू करोगे तो यहाँ पे माइनस टू आएगा और वन माइनस जीरो इंटू टू तो वन रहेगा, ये रहा मेरा वो वन। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, मुझे यहाँ वन चाहिए क्योंकि आइडेंटिटी मैट्रिक्स के अकॉर्डिंग ये वन होता है, तो यहाँ वन बनाने के लिए मैंने माइनस फाइव से आर टू रो में डिवाइड किया है, ये मैंने डिवाइड किया है, डिवाइड करने के बाद ये वन बन गया, यहाँ पे जीरो है, इधर आपके ये डिवाइड में आ जाएंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, अब आप ध्यान दीजिएगा, अब आपको यहाँ जीरो चाहिए, उसके लिए क्या करोगे, इस 2 से अगर इसके ट्वाइस को माइनस कर दो तो जीरो बन जाएगा, तो वही लिखा आर वन इंप्लाइज दैट आर वन माइनस टू आर टू, यहाँ पे ट्वाइस करके मैं आर वन में से इसको सब्ट्रैक्ट करने जा रहा हूं, तो ये माइनस ट्वाइस जीरो बन रहा, टू माइनस टू जीरो आया, ये आ गया। ऐसे अप्लाई यहाँ पे देखेगा, यहाँ पर आपका वन है, वन माइनस फोर बाई फाइव करोगे तो वन बाई फाइव बचेगा, ये रहा वो, और ये आपका सीधा सीधा माइनस करोगे जब इसको तो ये टू बाई फाइव ही रह जाएगा। तो स्टूडेंट्स, ये i इक्वल टू ये कंडीशन हो गई और ये मेरा क्या है यहाँ पर a है, इसका मतलब ये जो पार्ट बन के आया ये मेरा a इनवर्स है, क्या है ये a इनवर्स है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब आ जाइएगा अगली चीज पे, एक है डायरेक्ट मेथड, जो ऑब्जेक्टिव प्रॉब्लम्स होती है या वन मार्क्स का क्वेश्चन आता है आपका, सपोज कि भाई 2 बाई 2 की मैट्रिक्स है और इनवर्स निकालिए, उसके लिए आपको एक कंसेप्ट समझना पड़ता है स्टूडेंट्स, और वो होता है डिटर्मिनेंट निकालना। क्या स्टूडेंट्स, डिटरमिनेंट, ये नेक्स्ट चैप्टर है लेकिन मैं थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे रहा हूं यहां पर, ये आपको ए दिया हुआ था उसने, हम लोग यहां पे ये जो मॉडुलस टाइप में मैंने फॉर्म लिखा है इसी को बोलते हैं डिटरमिनेंट ऑफ अ मैट्रिक्स, डिटरमिनेंट ऑफ अ मैट्रिक्स। तो मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट निकालते कैसे हैं स्टूडेंट्स, ये आपने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड पढ़ा था लीनियर इक्वेशन वेरिएबल में, उसी को मैं अप्लाई कर रहा हूं, इन दोनों के प्रोडक्ट में से इस प्रोडक्ट को माइनस करना है, यानी कि 1 into minus 1 हो जाएगा और माइनस करना है 2 2 जा 4, तो देखो ये आपका सॉल्व हुआ और माइनस 5 आ गया। तो इसके लिखने का तरीका क्या होता है स्टूडेंट्स, इसके लिखने का तरीका होता है कि यहाँ तो आप a इनवर्स जब किसी का लिखोगे तो 1 अपॉन तो डिटरमिनेंट लिख दीजिए आप। ठीक है स्टूडेंट्स, और इधर ये जो आपकी दोनों चीजें हैं इन्हें आप ऐसे चेंज कर दीजिए, चेंज करने का मतलब कि जो यहाँ पर सपोज अगर मेरे पास a इक्वल टू ए बी सी डी की फॉर्म होती तो मैं यहाँ d लिख देता और यहाँ a, और इन दोनों के साइन चेंज कर दीजिए। ठीक है स्टूडेंट्स, देखेगा ये दोनों चेंज करने हैं, इन दोनों के साइन चेंज कर दिए हैं, ऐसे ही मैंने यहाँ पे देख लो इन तीनों में चारों में आप ये दोनों तो आपस में इंटरचेंज कर दीजिए, ये दोनों आपके इंटरचेंज हो गए, दिख रहा है आपको, और इन दोनों के साइन कर दीजिए, इन दोनों के साइन, तो ये डायरेक्ट मेथड है जो ऑब्जेक्टिव प्रॉब्लम्स में भी आपको मिल सकता है, यूज कर सकते हो आप इसको
ताकि बहुत जल्दी से आप सॉल्व करके रिजल्ट बता सके। ओके स्टूडेंट्स।